गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। बच्चों अभी जस्ट हमने लाइव क्लास की, ठीक है, जिसमें हमने नागरिक जीवन के इतिहास के आए हुए प्रश्नों को डिस्कस किया। और अभी हम लोग एक्सपोनेंट यानी कि घातांक पढ़ने जा रहे हैं गणित के पार्ट में, क्योंकि देखिए हर एक टॉपिक को हमें टच करना है। मैंने काफ़ी अपने वीडियोज़ में सामाजिक अध्ययन के प्रश्न, मैथ के, गणित के भी मैंने पढ़ाए हुए हैं, लेकिन टॉपिक वाइज समझा के अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जो जनरल फॉर्मूला एक सवाल है आपका, ये आया हुआ है 2014 का है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक पुराना है, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। नियम जो ए या एम कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं आपको, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, ये कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या। जैसे पहला नियम के तहत मैं बताऊँ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं कर लेता हूँ 3 के घात 2 गुणे, देखिए ये ए और ए दोनों सेम है ना, तो मैं 3 नीचे लूँगा, उसके घात को बदल दे रहा हूँ, एक जगह एम है एक जगह एन है, तो इसको मैंने बदल दिया। इसको क्या पढ़ते हैं, घात। घात का मतलब समझते हैं होता क्या है, क्या होता है घात, मतलब मैं 3 के घात 2 बोलता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, एक बार ध्यान दीजिए, यही समझना है। जैसे देखिए 3 के घात 2 मतलब 3 को खुद से कितनी बार गुणा करना है, 2 बार। ध्यान दीजिए, कई बच्चे गलत 3 बार बोल रहे थे, अगर मैं 3 के घात 5 लिख रहा हूँ तो 3 को खुद से गुणा करना है, ये नहीं कि 3 गुणे 5 कर देना, ये गलत हो जाएगा। 3 को खुद से क्या करना है, 5 बार गुणा करना है, ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये चीज़ आपका है घात का, और इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 3 to the power 2 और 3 to the power 3, 3 के घात 3, 3 के घात 2। अंग्रेजी इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, ये आपका यही मंजिल नहीं, कक्षा 8-9 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 12 के बाद तो कुछ करेंगे। कई बच्चे इसमें इंजीनियर बनना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, कई लोग इसमें मेडिकल में जाओगे, आप लोग डॉक्टर बनोगे, वहाँ किताबें किस में उपलब्ध हैं, ठीक है, भले आप सब कुछ अभी हिंदी में पढ़ रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली इंग्लिश में ही पढ़ना है, तो टर्म्स को अंग्रेजी में भी नोट करते चलिए अभी से, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे हल करना, अगर इस तरह का सवाल आ गया, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये सिंपलिसिटी के लिए बनाया जाता है, कई बार क्या होता है कि अगर 3 इसको 5 बार लिखना पड़े मान लीजिए, तो काफ़ी समय लगाना, इसी को अगर हमें शॉर्ट में लिखना होगा तो क्या करेंगे, 3 के घात 5। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए घातांक के नियम बनाए गए ताकि चीज़ों को हम आसानी से कम समय में हल कर सकें, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैं इसका गुणा दे दूँ, अगर आपको घात का मतलब नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, 3 गुणे 3 करेंगे, फिर 3 को 3 बार लिखेंगे, फिर आपस में गुणा करेंगे, तब ना उत्तर निकलेगा, ठीक है, उत्तर हो सकता है ये उत्तर हो भी ना। तो करना क्या है, नियम क्या है कि जो नीचे वाला बेस है उसको लिख लीजिए, ऊपर वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 3 के घात 5। तो ये इसलिए ज़रूरी है, जब हम सवाल को करेंगे तब ये नियम आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। पहला नियम क्लियर हुआ, करना क्या है इसमें, क्लियर है, नोट करते चलिए, नोट करते चलिए। बच्चों उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, अब आइए सेकंड नियम पे हम लोग बढ़ें, तब इन सवालों को मैं हल करता हूँ। दूसरे वाले ऑप्शन में मान लीजिए कि आपको 8n दिया हुआ है और भाग का चिन्ह है 8n। देखिए आपको पता होना चाहिए कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी हो, मतलब 5 को कौन भाग दे रहा है, 3, और इसको हम ऐसे बटे में भी लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, 3 जो है भाग दे रहा है किसको, 5 को। यही चीज़ देखिए यहाँ पर हमें घातांक के रूप में सीखना है, 8m ए के घात एम बटे ए के घात एन। अगर ऐसा हो तब हम क्या करेंगे, उदाहरण ले लें, 5 के घात 5 फिर 5 के घात 2, हमें क्या करना है, बस इसको ऊपर ले जाके घटा देना है, जो उसके पावर हैं जो घात हैं उनको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 5 के घात 5 - 2 कितना होगा, 5 के घात 3। तो बस इस साधारण से नियम के जरिए ये सवाल हल होंगे, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब मैं ये थर्ड ऑप्शन को बता रहा हूँ, इसको आप लोग नोट करते जाइएगा ना, उदाहरण का एग्जांपल को भी नोट कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। आपका तीसरा वाला फॉर्मूला ले रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए तब तक, 8n गुणे एम, इसमें कुछ नहीं करना है, जो अगर संख्याएं मान लीजिए ऐसे दी गई हैं 5 के घात 2 फिर उसके भी घात 3, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट जब भी खुलेगा ध्यान रखिएगा गुणा होगा, क्या होगा,
गुणा होगा, ठीक है। तो 5 के घात 2 तिहाई 6, 5 के घात 6 इसका उत्तर आएगा। तो वैसे ही इस फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, इस वाले फॉर्मूला में देखिए क्या हो जाएगा, a के घात एन एम या एम एन कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है, ठीक है, क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए ये फॉर्मूला है आपका चौथा वाला, बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर जो घात है वो घात एक ही तरह हो और नीचे वाला जो बेस है आधार है वो क्या हो, वो भी ये बेस अलग अलग हो और जो घात है वो क्या हो, सेम हो, समान हो, जैसे कि 3 के घात 2 गुणे 2 के घात 2, ठीक है। तो करना क्या है, संख्याओं को गुणा कर लीजिए आपस में और उसको क्या कर दीजिए, घात वही घात दे दीजिए जो ऊपर था, तब ये वाला फॉर्मूला इस तरह से आपको लगाना है, ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। अब ये देखिए जो इसके बाद जो है फॉर्मूला, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पांचवा वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमें परेशान करता है, घातांक के नियम में यही परेशान करेगा सबसे ज़्यादा, पांचवा नियम, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब देखिए आखिरी वाला नियम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको समझते चलिए। अगर कोई घात ए टू द पावर माइनस एम है, इसको हम दूसरे तरह से कैसे लिखते हैं, इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब जानते हैं ना क्या होता है, उल्टा कर देना, अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। करना कुछ नहीं है, एक रखना है, बटे के लिए हमें एक रखना पड़ेगा और ए के घात एम, बस यही करना है। और ये जो दूसरा नियम इसी से ही निकला है, ए बटा बी, मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है ए बटा बी बी और माइनस वन, कितना दिया हुआ है, माइनस वन, अगर इसे हमें करना है तो इसको यही चीज़ करना है, पलट के लिख देना है बी बटा ए, इस घात लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही संख्या आएगी। अगर 5 के घात 1 लिखूं मतलब क्या, 5 को 1 बार लिखना है, 5 के घात 2 मतलब 5 को 2 से 2 बार खुद से गुणा करना है, तो 1 का मतलब हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। ये रूल अभी आपको काफ़ी इस्तेमाल होगा और ये हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। हुआ क्या है इसमें, इसको समझिएगा, जैसे ये नियम था इसी नियम के तहत हुआ है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैंने नियम क्या बताया था, ए के घात अगर माइनस एम है तो बटे में लिखना है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बटे में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तब ये देखिए आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, एक बटा ए बटा बी आ गया, ये चीज़ जो है पलट के ऊपर चली जाती है, ये हो जाएगा बी और एक जो है ए जो है खुद उससे गुणा हो जाएगा, आ जाएगा क्या, बी बटा ए, यही चीज़ आएगा, ठीक है। अभी स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छुप गया है, तो इसका आ रहा उत्तर बी बटा ए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये सवाल अभी आपके सामने, इसको करेंगे कैसे, इसको समझिएगा। सबसे पहले देखिए इस वाले ब्रैकेट को मैं खोल रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, नियम क्या है, 2/3 को कितनी बार खुद से गुणा करना है, 2 बार, तो 2 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 4, और 3 को करेंगे तो 9। अब बचा बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं भाग का चिन्ह। अब बताइए 16 को, ध्यान दीजिएगा, 16 को हम कुछ 4 की तरह लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 16 को, 16 को देखिए 16 को कैसे लिखते हैं, 4 के घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो यही मैं कर रहा हूँ, 4 के घात 2, वैसे 81 को 9 के घात 2, और ये एक ब्रैकेट रहने दे रहा हूँ, ब्रैकेट रहने दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो नियम है ठीक इसका उल्टा करने जा रहा हूँ, इसका 4 के घात 2 और ये वाला देखिए कहाँ गया नियम, ये वाला नहीं नहीं ये जब सेम रहे तब कहाँ गया वाला, ये वाला नियम है, सेम संख्या है, सेम पावर है ना, तो करना क्या है, इसको मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, देखिए 4/9 के घात 8 भागे 4/9, इस चीज़ को जो ब्रैकेट के बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इस वाले को ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तब क्या होगा, 4 को हम 2 बार गुणा करेंगे 9 को 2 बार गुणा करेंगे, यही वाला नियम है ना, ठीक है। अभी जो स्टार्टिंग में पहला नियम क्या था, अगर 3 के घात 3 है तो 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार, ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट से, ठीक है, नहीं होना है। अगर ए की जगह मैं ए के घात एन लिख रहा हूँ, मतलब 3 के घात 2 लिख रहा हूँ, तो ये आसान दिख रहा है, यही अगर मैं बटे में कर दे रहा हूँ तो आप कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हैं,
यहाँ पे यही चीज बटे में है। देखिए 4/9, इसको मान लीजिए ए, क्या मान लें, ए कुछ भी हो सकता है, एक आपका रेशनल नंबर भी, परिमेय संख्या भी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। 4/9, 4/9 मतलब वही संख्या है, क्या चीज़ है, वही संख्या है कि नहीं, ए ए ए ए है ना। अब इसके घात अलग अलग हैं, घात क्या हैं, अलग अलग हैं, तो नियम क्या है, ब्रैकेट तो क्या, इस ब्रैकेट को खोला ऊपर बढ़ाया नहीं ना, ये वाला नियम कहाँ अप्लाई किया अभी हमें, तीसरा वाला, कितने नियम इसी सवाल में अप्लाई हो रहे हैं आप देख लीजिए आपके सामने। ये हुआ 4/9, इसको जब हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 इसके साथ गुणा भी तो करेंगे, कितना आएगा 8, तो 4/9, 4 × 2 = 8। अब देखिए दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए, अगर समान संख्या है, समान संख्या से भाग दे रहे हैं तो कट के क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा 1, ठीक है। वही चीज़ हम क्या करेंगे, काट देंगे, काट दीजिए, कितना आया 1, तो इसका उत्तर क्या आएगा 1। इसको आप नोट कर लीजिए कैसे हुआ है सवाल, और इसमें कई नियम अप्लाई हुए एक साथ। अब आपके सामने देखिए 3 सवाल दिख रहे हैं, ये मैंने थोड़े आसान लिए, पहला वाला ही थोड़ा सा मुझे लग रहा कठिन हो गया था आपके हिसाब से। एक देखिए 2015 इसी नियम पे है, ये देखिए समान है, कौन सा नियम अप्लाई होगा इसमें से बताइए, इस वाले सवाल में, तीसरे सवाल में कौन सा नियम, बिल्कुल सही, a^n फिर उसके घात m, वही चीज़ यहाँ हो रहा था। इसका उत्तर क्या आएगा, 2^ कितना करूँ, 3 और 2 को क्या करूँगा, गुणा करूँगा, क्या करूँगा, गुणा करूँगा, कितना आएगा 2^6, तो यही क्या है इसका उत्तर है। हो सकता है ऑप्शन में आपका गुणा हो, तो क्या करेंगे 2 को 6 से खुद से 6 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब इस वाले सवाल में बताइए इसको कैसे करेंगे, अगर वर्गमूल पढ़ा है कि नहीं, अभी आप लोगों ने पढ़ लिया है ना, ये सवाल मिटा दूँ, नोट करते चलिए छूट जाएगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, ध्यान रखिएगा वर्गमूल है, वर्गमूल को हम दूसरे तरीके से संख्या के ऊपर 1/2 दे सकते हैं, 1/2 दे सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले 81 के साथ हम लोग खेलेंगे, 81 के साथ क्या करेंगे, खेलेंगे। 81 का किससे गुणा होता है, 9 × 9 होता है, पता है ना, और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, इसमें कितना आएगा 3^2, इसमें कितना आएगा 3^2, कितना हो गया 3^4 हो गया। देखो ना 3 × 3 × 3 × 3 चार बार गुणा करेंगे कि नहीं, तो 81 को कैसे लिख सकते हैं 3^4, क्लियर है। अब देखो इसमें अब हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने तरह दोनों तरफ वर्ग ले रहे हैं, वर्ग ले रहे हैं, दोनों तरफ ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा 3^x और ये 3^8। अब देखो इसमें यही चीज़ समझना है, जब भी बेस आधार जो है सेम हो जाए तो इसके पावर भी सेम हो जाता है, इसका पावर क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो उत्तर क्या आया, x का मान कितना आ गया 8, यही इसका उत्तर है, इसको नोट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आसान सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है अगर कंसेप्ट ना पता हो। बच्चों अगर इसके पहले अगर आपने वर्ग नहीं पढ़ा है, वर्गमूल नहीं पढ़ा है, तो ये आपको कठिन लग रहा होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि उस चैप्टर को आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, मैं प्रयास करूँगा कि अभी उस चैप्टर को पहले पढ़ा दूँ, फिर इस चैप्टर को आप बाद में देखिएगा। ये वाला सवाल देखिए काफ़ी आसान है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें 2 × 2 × 2 लिख लें, 3 को कितने बार कर लें, 3 × 3 × 3 × 3 × 4, सबको मैंने तोड़ के लिख लिया, बटे 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 का लॉसा निकालने आता है कि नहीं, करिए, कितना आ गया 16, अब कितना आया 8, अब कितना आया 4, अब कितना आया 2, अब 2, कितनी बार हो गया 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 को हम खुद से कितनी बार गुणा करेंगे 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, अब काट दीजिए, कटा 3 से 3 कटा, फिर 1 से 2 कटा, ये 2 कटा, अब नीचे कुछ बचा, इन संख्याओं को गुणा कर दीजिए आपस में, काफ़ी आसान था कि नहीं, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट ये तो मैंने अच्छे से बताने के लिए आपको लोग किया, आप लोग इसको कम भी लिख सकते हैं, तोड़ने की ज़रूरत इतनी नहीं है जितना मैंने तोड़ा है, ठीक है ना।
ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अभी देखिए वीडियो यहीं मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों को दिक्कत आ रही है वर्गमूल को लेके। ठीक है, जब इसको पढ़ा लूँगा तब इस टॉपिक को और आगे बढ़ाऊँगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।